Marked a location. अरे ये भी ना बोले कहाँ है? रिकॉल हुआ एक बंदा, मतलब एक बंदा रिकॉल हुआ है। भाई साहब इतनी खतरनाक स्किन कल BGM आएगी अंदर आने वाली है, और वो स्किन का गेम प्ले मैं आप लोगों को आज दिखाने वाला हूँ इस वाले गेम प्ले में। और ये गेम प्ले इतना ज़्यादा खतरनाक होने वाला है जिसको देख के मुझे पता है आप लोग क्या करोगे। नहीं नहीं बताओ मत, मुझे पता है आप लोग अपने कच्चे फाड़ दोगे। और कल जो अल्टीमेट सेट और स्कारल आने वाली है, सामने अपोनेंट में वही बंदा आया हुआ था सेम अल्टीमेट सेम स्कारल लेके, और हम भी वही सेम गन यूज़ कर रहे हैं, वो भी मैक्स आउट। तो बहुत ज्यादा मजा आने वाला है, बहुत इंटेंस फाइट सीन्स होने वाले हैं, और आज जो 69,000 IQ लगने वाला है उनको देख के आप लोग को मजा आ जाएगा। और जिसने भी लाइक नहीं किया सबसे पहले लाइक कर दो, जो लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे कर दो सेट, नहीं तो जानते हो क्या होगा। मैं तुम्हारे घर आके तुम्हारे कच्चे फाड़ दूंगा, समझ गया? कोई भी ये नहीं बोलेगा कि भाई मेरे पास कच्चे कम है, मेरा तो ऑलरेडी फटा हुआ है। कोई बहाना नहीं चलेगा गाइस, सबके कच्चे फटेंगे। फिलहाल के लिए यहाँ पे मैंने जल्दी जल्दी एक बंदे को नॉक फिनिश किया जो कि नॉक पड़ा हुआ था, दूसरे को नॉक किया, तीसरे पे यहाँ पे कर दिया रस। और यहाँ अंदर आके देखा मैंने, भाई इस बंदे ने चार चार पेटियां बना के रखी थी। और यहाँ पे हम लूट वगैरह कर रहे थे तभी पीछे साइड से ग्रेनेड मॉली आ रहे थे हम पे। भाई सामने मैंने मम्मी सूट देखा और राइट साइड मैंने एक बंदा नॉक किया था, लेकिन वहां पे नॉक वाले बंदे के पास एक और बंदा बैठा हुआ था। मम्मी सूट वाले को मैंने डैमेज किया और यहाँ पे राइट साइड से उस बंदे ने जो बैठा हुआ था उसने मुझे नॉक कर दिया, और विक्की ने यहाँ पे मम्मी सूट वाले को नॉक कर दिया। भाई सब एक दूसरे को नॉक कर रहे थे, पीछे से बंदा आया और मैंने जो पीछे से बंदा आ रहा था उसको नॉक कर दिया। यहाँ पे सबसे पहले स्मोक किया, हील किया। अब यहाँ पे सारे बंदे जो नॉक पड़े हुए थे तो अपने टीममेट्स को बोला भाई जल्दी जल्दी सबको फिनिश मारते जाओ इससे पहले किल चोरी हो जाए, और मुझे एक स्कारल ढूंढ के दो गाइस। ये पीछे से बॉट एंगल किल चोरी करने की नाकामयाब कोशिश कर रहे थे, आई थिंक सो कामयाब भी हो गए। फिलहाल के लिए यहाँ पे इन सब लोगों की हम लोगों ने पेटी बनाई, जैसे तैसे बचे। अब भाई साहब हील वगैरह करके सामने साइड से हम पे हो गया एक स्क्वाड का रस। मैंने जैसे ही यहां पे मॉली फेंका वो बंदा पीछे भाग के गया। अब फाइनली यहां पे स्कारल की ये पेटी होने वाली है, ये किल मैसेज होने वाला है और ये किल इफेक्ट होने वाला है। साथ ही साथ यहां पे स्कारल के साथ आप लोग को अपग्रेडेबल ग्रेनेड भी देखने के लिए मिलेगा, जिसको मैं आप स्कारल अगर मैक्स आउट करते हो तो आपको भैया ग्रेनेड भी मैक्स आउट मिलने वाला है। तो ग्रेनेड्स भी दिखाने वाला हूं। सबसे पहले तो यहां पे हम लोग आए, इधर साइड बंदे थे, जैसे ही इधर आए तो पता चला भैया ये तो ऊपर चढ़ के बैठे हुए हैं। ऊपर वाले बंदे पे ग्रेनेड किया, डैमेज हुआ वो लेकिन बच गया। मैंने यहाँ पे एक और ग्रेनेड किया, पीछे थे पंपकिन के, लेकिन जैसे यहाँ पे दूसरा ग्रेनेड मैंने किया वो बंदा पीछे भाग के गया। मैंने यहाँ पंपकिन पे एक मॉली कर दिया, वो बंदा पीछे साइड गया। मैंने एक और ग्रेनेड कुक किया, तभी राइट साइड से मुझे एक बंदे के फुट्स आए। अब यहाँ पे पीछे साइड एक बॉट एंगल आ रहे थे तो उनको मैंने भरा और सोचा कि लेफ्ट साइड से फ्लैंक करता हूँ, तब ही सामने मुझे एक बंदे की फुट्स आए। कि माइक ऑन कर मेरा सही है।
गेट पे ही बैठा, ये भी गेट पे बैठा हुआ था, गेट पे बाहर आ गया, बाहर आ गया। अब लेफ्ट मैंने जैसे ही एक बंदे को नॉक किया भैया, उसने क्या ही ग्रेनेड फेंका। थैंक यू। इस बंदे के साथ बहुत बुरा होने वाला है। क्या हुआ गाइस इस बंदे के साथ बुरा, आप लोग मुझे कमेंट्स में बताओ। देखते हैं आप में से कितने लोग सही जवाब दे पाओगे। क्या हुआ इस बंदे के साथ बुरा? यहाँ फिलहाल के लिए हमारे तीसरे बॉट अंकल आए, तो तीसरे बॉट अंकल की हम लोगों ने पेटी बनाई। कोई रेंडर हुआ, बहुत गंदा। अब उसके बाद यहाँ पे इन भाई साहब की पेटी बनाई और पीछे से एक और बंदा आ गया, असली बंदा। हमें यही लगा था लेकिन वो बॉट अंकल थे और पीछे की साइड से एक गाड़ी आई। अब भाई यहाँ पे बॉट अंकल ने खतरनाक वाला थंबनेल का जो तो एक पोस्टर हम लोग के लिए बना के दिया। अब जल्दी जल्दी हम यहाँ पे लूटते, पीछे के साइड कूप आर भी लेके बंदा एक रोटेशन दे रहा था, तो पीछे के साइड हमें लगा कि वो बंदे रुके हुए, तो हम पीछे के साइड आए। गाड़ी आई लेफ्ट से, गाड़ी। और तभी भाई यहाँ पे कॉल आता है मेरा कि पीछे से गाड़ी आ गई। एक बंदा नॉक। अब ये वही मम्मी सूट वाले बंदे हैं जो कि अपना बदला लेने के लिए आए हुए थे यहाँ हमसे। भाई मम्मी सूट वाले की ना किस्मत बहुत बेकार है, इसने सामने स्पाइडर को डैमेज किया और पीछे के साइड कैंपर्स ने इसको ही नॉक कर दिया। भाई यहाँ पे बंदे हम पे रस करने आए थे, इनके साथ गलत ही स्कैम हो गया। और भाई आरआईपी मम्मी सूट इन द चैट कर देना, बेचारे के साथ बहुत बुरा हुआ। बहुत ही प्रोनेस से प्रो प्लेयर था वो, बहुत ही तगड़े तरीके से आया था रस करने के लिए, लेकिन थर्ड पार्टी वालों को पता नहीं कितनी गालियां दे रहा होगा। फिलहाल के लिए यहाँ पे हम लोगों ने इन बंदों की पेटी वटी बनाई और लूट वगैरह करी, और जो पीछे अभी बान हाउस में पूरी की पूरी स्क्वाड बैठी हुई थी जो कि थर्ड पार्टी कर रही थी या फिर बदला लेने आई हुई थी भैया, अभी उनके साथ हमारी होने वाली थी बहुत घमासान वाली फाइट। यहाँ पे विक्की ने MG3 से एक बंदे को नॉक किया। और इस टीम का आखिरी बंदा जो था वो पीछे बैठा हुआ था बिना फुट दिए और उसने स्पाइडर मॉन को कर दिया नॉक। मैंने सबसे पहले तो स्मोक यहाँ पे किया स्पाइडर मॉन को बचाने के लिए जल्दी जल्दी से। स्पाइडर को बोला कि तू धीरे धीरे कवर में आ जा, और यहाँ पे जो बंदा बैठा हुआ था उसको मारने की करने लगी हम तैयारी। अब बान हाउस वाले बंदे हम पे फायर नहीं कर रहे थे क्योंकि उनका बंदा एक ऑलरेडी नॉक था। अब ये बंदा ग्रेनेड से डैमेज था, वो भी दबा के डैमेज, जुबान लड़खड़ाई गाइस मेरी। लेकिन यहाँ पे इस कारल की एक हेड पड़ा और यहाँ पे इन भैया का हो गया चूरा। अब यहाँ पे हरकत पे आ गए बान हाउस वाले वापस से। अब ये स्प्रे देखो आप, बस बंदा नॉक। मैंने तुरंत अपने टीममेट को कॉल दिया, राइट साइड से एक जन गाड़ी लेके निकलो हिल पे और मैं लेफ्ट साइड से फ्लैंक कर रहा हूँ, एक जन यहीं रुकना। अभी तो हमारी ये जो अल्टीमेट सेट मैंने पहन के रखा हुआ है, यही अल्टीमेट सेट वाला जो बंदा है जो पूरी पूरी टीम है उसके साथ हमारी फाइट होने वाली है, और वो जो फाइट होगी भैया लिटरली गॉड लेवल फाइट होगी। और मजे की बात तो ये है कि वो रिकॉल होगी हमसे बदलापुर 69 करने के लिए भी आएंगे। तो क्या लगता है गाइस क्या हम लोग उन्हें मार पाएंगे? अब यहाँ पे हम लेफ्ट साइड से मैं फ्लैंक कर देता हूँ, राइट साइड से स्पाइडर को बोलता हूँ गाड़ी लेके तू चला जा, विक्की को मैंने बोला वहीं से कवर फायर देना, और जैसे ही मैंने यहाँ पे बोला मैंने अपने टीममेट को बोला फायर करो, विक्की को बोला फायर करो तुम अपने साइड से, मैं स्पाइडर फ्लैंक दे चुके थे। सामने बंदा स्पॉट, इसको मैंने नॉक फिनिश किया। अंदर दो बंदे थे, विक्की ने एक और बंदे को नॉक कर दिया, और अभी तक यहाँ पे मुझे एक ही बंदा स्पॉट हुआ। मैंने यहाँ पे बोला स्पाइडर को कि भाई तू लेफ्ट साइड से आ जा, विक्की यहाँ पे पहुंच गया राइट साइड से, और मैं यहाँ पे सामने मुझे बान हाउस के अंदर बंदा स्पॉट हुआ। अंदर 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 मैंने यहाँ पे गॉन्टलेट का यूज किया एंड
भाई अभी तो इस गॉन्टलेट से जो खतरनाक वाले फाइट सीन्स निकालने वाला हूँ भाई, लिटरली आप लोग बोलोगे साइबर भाई क्या कच्चे फाड़ आईक्यू थे भाई। जम करके यहाँ पे ग्रेनेड कुक करता हूँ मैं और बंदे को भी स्पॉट कर लेता हूँ। ग्रेनेड किया लेकिन बंदा पीछे भागा, मैंने यहाँ पे एक और ग्रेनेड कुक किया एंड बूम। अब ये भाई साहब भी नॉक हुए, इसका मतलब ये था कि इनके जो टीममेट थे वो अभी भी यहीं कहीं थे। पेटी भाई बाहर निकली हुई है, बाना उसके अंदर अब इन भाई साहब की हम लोगों ने पेटी बनाई, देन उसके बाद यहाँ पे थोड़ी बहुत लूट वगैरह करी। लूट वगैरह करने के बाद हम लोग गड्डी लेके निकले कि भाई साहब एक बार यहाँ पे फिर से चेक कर लेते हैं कोई बंदा आया कि नहीं आया। जैसे यहाँ पे आया मैप में 6 बंदे दिखाई दिए, मैंने तुरंत यहाँ पे गाड़ी रोकी नहीं, पहले तो रोटेशन दिया कि भाई बंदे हैं कहाँ कहाँ पे, हम लोग को पोजीशन चाहिए थी उनकी। जैसे यहाँ पे आए बंदा स्पॉट हुआ, मैंने स्पॉटर को बोला गाड़ी लेके जा, तू यहाँ पे गाड़ी लेके पीछे एक साइड रोटेशन दे के चला जा, और विक्की को बोला कि भाई गॉन्टलेट का यूज करके डायरेक्ट छत के ऊपर चल। अब हम लोगों ने तो मैंने और विक्की ने अपना काम कर दिया, लेकिन स्पाइडर को यहाँ पे पता नहीं क्या चुल हुई, वो गाड़ी घुमा के वापस आ गया। अरे सीधा सीधा घुमा रहा है। Watch out! बाहर वाले का पता नहीं था। स्पाइडर माउंट की यहाँ पे उसने पेटी बना दी, अब बदला लेना तो बनता था। ये देखो यही है वो अल्टीमेट वाला बंदा, देख सकते हो सेम आउटफिट थी, इसके पास भी अल्टीमेट सेट था। तो यहाँ पे इन भाई की पेटी बनाई, तभी पीछे से भाई चुपके से आगे उसने विक्की को नॉक मार दी और विक्की को पता भी नहीं चला। मैंने यहाँ पे बोला मेरी एसपी कम है, मुझे थोड़ा फॉल बैक करना पड़ेगा, थोड़ा फॉल बैक के चक्कर में मैं ज्यादा ही फॉल बैक कर गया, और यहाँ पे विक्की के पास रिकॉल था तो विक्की और स्पाइडर रिकॉल होते हैं क्योंकि मैं विक्की को बचा नहीं पाया वहाँ पे। तो मैंने यहाँ पे तब तक रोटेशन दे देता हूँ पीछे के साइड पूरा, और अपने टीममेट्स को बोलता हूँ कि तुम लोग उतरो वहाँ पे और बंदों की पोजीशन पता लगाओ। लेकिन जैसे मैं यहाँ पे आया भैया मुँह के सामने ही बंदा और एक और गाड़ी आ गई। अब एक भाई साहब को मैंने नॉक फिनिश मारा, विक्की और स्पाइडर राइट साइड थे, मैंने बोला भैया मेरे पास आ जाओ जल्दी से, यहाँ पे मेरे को कोई नॉक फिनिश कर देगा पता भी नहीं चलेगा तुमको। सामने मैंने देखा वही अल्टीमेट सेट वाला बंदा, मैंने कहा भाई अब तो जलवा दिखाना ही पड़ेगा। वो बंदा पीछे के साइड आ गया और इसका जो टीममेट था वो आगे चला गया। मैंने यहाँ पे मॉली खोली, एक मॉली इधर करी और एक मॉली अंदर कर दी। अब भाई ये देखो आप लोग, मुझे पता था मॉली से वो जलेगा, जला मॉली से, मैंने यहाँ पे गॉन्टलेट का पहले यूज किया एंड बूम। भाई गाइस इस वाले मॉली और गॉन्टलेट के यूज के लिए एक लाइक तो बनता है, और अल्टीमेट सेट की हम लोगों ने यहाँ पे दोबारा से पेटी बना दी। अब उसके बाद इनका जो आखिरी टीममेट बचा हुआ था भाई बारी थी उसकी, और यहाँ पे रिकॉल भी खत्म हो चुका था, तो भाई वो बंदा जो मरने वाला था वो रिकॉल भी नहीं होता, और जो अपना अल्टीमेट सेट वाला बंदा था वो तो दो बार फिनिश हो गया, तो मतलब अब वो तो रिकॉल होगा नहीं। अब ये जो बंदा थे पीछे की साइड भागने लगता है, मैंने यहाँ गेट पे ग्रेनेड किया और डायरेक्ट उड़ के इसके सर के ऊपर गया। अब ये बंदा भी आई क्यू लगाता है लेकिन इसने गलती कर दी, गलत बंदे के सामने निंजा टेक्निक यूज करी भाई ने, और ग्रेनेड के साउंड के कारण इसको बिल्कुल भी पता नहीं चला कि इसके सर के ऊपर ही मैं आ गया हूँ, जिसके कारण यहाँ पे अपना गॉन्टलेट यूज कर रहा था, और इससे पहले कि ये भाग पाता उड़ के एम कर पाता मैंने यहाँ पे इन भाई को कर दिया नॉक। अब ये देखो कुछ स्पेशल, भाई साहब क्या ही इंस्पेक्ट इमोट है। अगर आप लोग को इंस्पेक्ट इमोट अच्छा लगा तो अभी तक जिसने लाइक नहीं किया कौन है भाई वो बंदा जिसने लाइक नहीं किया, गाइस लाइक करो। अब यहाँ पे भाई साहब इनका जो लास्ट टीममेट था वो पीछे के साइड मॉन्स्टर ट्रक लेके आ जाता है, रुका ही नहीं है।
अरे यार आपने मस्त टक ही फोड़ दिया। अब भाई साहब ये मॉन्स्टर ट्रक वाला बंदा तो यहाँ से बच के निकल जाता है। अगर यहाँ पे मेरे टीममेट का भी स्प्रे आता तो हो सकता था कि वो मॉन्स्टर ट्रक फट जाता, लेकिन स्टार एल की अनस्टेबल स्प्रे के कारण यहाँ पे वो बंदा बच के निकल गया। फिलहाल के लिए यहाँ पे हम लोग जोन के अंदर जाने का प्लान करते हैं और देखते हैं भैया कि ब्रिज हो रहा था कैंप, तो हमें रिस्क लेना नहीं था। हमने यहाँ पे स्केट बोर्ड लगाया और फिर से एक बार 69,000 IQ गाइस, 69,000 IQ सीधे मैं आया पानी समुंदर क्रॉस करके और यहाँ पे जैसे आया हिल पे लेफ्ट साइड से चल रही थी फाइट, मैं राइट वाली हिल पे आया जोन के अंदर पत्थर का कवर था यहाँ पे। ये फिनिश हुआ, मैंने कहा हैं और भाई उसी टाइम पे मेरी स्कारल रीलोड पे फंस गई और मैं एक बुलेट मारा और रीलोड करने लगा, जैसे पीछे आया उस बंदे ने मुझे नॉक कर दिया, लेकिन यहाँ पे मैं रिवाइव हो गया और पीछे की साइड से विक्की ने स्प्रे दिया तो वो बंदे हम पे रस नहीं किए, पीछे की साइड वो भाग गए गाड़ी लेके। अब यहाँ पे जैसे तैसे करके हम जोन पे पहुंचे सामने, यहाँ पे ये बंदों को थोड़ा बहुत गोलियां पड़ी और गाड़ी को ज्यादा गोलियां पड़ी। फिलहाल के लिए बंदे एक बार फिर से मेरे चंगुल से बच के निकले सामने आए। दोनों बंदे अच्छे खासे डैमेज थे। यहाँ पे मैंने एक अपना निंजा टेक्निक का यूज किया, मुझे पता था नीचे के साइड से वो सामने पेड़ की पत्तियां आ जाएंगी अगर मैं लेफ्ट जाऊंगा, तो जैसे उस बंदे ने स्प्रे दिया मैं तुरंत लेफ्ट साइड गया और वो बंदे को मैं स्पॉट नहीं हुआ, जिससे कि मैं यहाँ पे बच गया। और यहाँ पे देखो एक बार फिर से 69,000 IQ गाइस, लेट्स गो बूम। अब यहाँ पे इन भाई साहब को नॉक फिनिश, सामने MG3 वाले बंदे को नॉक किया मैंने, सामने से गाड़ी आई। अब मैं यहाँ पे पीछे साइड फॉल बैक करता हूँ, विक्की बोला कि तू भी फॉल बैक कर ले, लेकिन यहाँ पे विक्की ने गलती कर दी और जॉनथन ने भाई साहब यहाँ पे विक्की को कर दिया नॉक। अब सामने उसका भी एक टीममेट नॉक पड़ा हुआ था, मैंने यहाँ पे जल्दी जल्दी से स्मोक फेंका विक्की पे, मैंने बोला भाई यार फॉल बैक कर लेता तो यहाँ पे हम लोग रस कर देते लेफ्ट राइट से स्केट बोर्ड का यूज करके, लेकिन यहाँ पे हो गया कोई बात नहीं। मैंने बोला मैं धीरे धीरे करके इधर आया, सामने से बंदा आया, इसको मैंने नॉक करके यहाँ पे कर दी मौली। अब मैंने स्पाइडर को बोला कि तू विक्की पे जा, मेरे पे एक स्मोक है मैं स्मोक कर दूंगा। यहाँ मैंने जल्दी से एक लास्ट वाला स्मोक किया और सीधे उसके बाद वो बंदा रस कर रहा था, तो अपने टीममेट्स को कवर देने के लिए मैं राइट साइड गया और यहाँ पे लेफ्ट साइड ग्रेनेड भी आने लगे, लेकिन यहाँ पे भाई कुछ गलत होने वाला था हमारे साथ। अब राइट वाले बंदे को कवर फायर देने के चक्कर में अपने टीममेट को लेफ्ट वाले ने, अरे भाई यहां पे लेफ्ट वाले ने MG3 से मुझे नॉक किया और उधर विक्की की HP थी नहीं, जस्ट रिवाइव हुआ था, एक गोली लगी वो भी नॉक। स्पाइडर ने एक बंदे को नॉक किया और पीछे से MG3 वाले ने उसको भी भर दिया। अब एक गलती हुई यहाँ पे, अगर उस टाइम पे विक्की मेरे साथ फॉल बैक कर लेता तो यहाँ पे हम बच जाते। अब मैं यहाँ पे एग्जिट करने ही वाला था, ये देखो गॉड सांप का देवता, और जब मैंने इसके किल्स देखे भाई मेरी आंखें फटी की फटी रह गई भाई। 25 किल VSS का यूज कर रहा था ये बंदा, और भैया VSS और स्कारल, मैंने बोला भाई क्या है ये, मैंने तुरंत एग्जिट मार दिया। गाइस जिसने भी लाइक नहीं किया लाइक कर दो, अच्छा लगा गेम प्ले तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर देना, और कल ये स्किन्स आ रही है BGMI के अंदर, तो क्या आप लोग को क्रेट ओपनिंग देखनी है? अगर देखनी है तो कॉमेंट करो और भैया वीडियो को लाइक सब्सक्राइब मारो, और भाई वो स्नेक देवता के लिए गाइज एक स्नेक गॉड ओपन द चैट कर देना, उसके 25 किल थे। और जिन लोगों को लग रहा होगा उसके 25 किल नहीं थे तो मुझे बताना कि भाई उसके 25 किल क्यों दिख रहे थे भाई साहब ऊपर। मिलते हैं एक और नए कमाल के वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल, जय हिंद, वंदे मातरम।